एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि ना जांच के लिए गया पूरे ट्रायल में, न ही कोई किसी तरह का रिपोर्ट आया FSL का, वो बुलेट प्रूफ जैकेट था या हार्ड बोर्ड का था या प्लास्टिक बोर्ड का, यही केस था। और न इस केस में विधायक जी को अरेस्ट किया गया, जबकि ऑफिसर इंचार्ज थे सचिवालय का, उनका कहना था कि हमने अरेस्ट करके थाना लाया, हायर पुलिस अफसर को इन्फॉर्म किया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। साल 2015 में मोकामा से RJD के विधायक रहे अनंत सिंह के पटना वाले आवास से 6 इंसास के मैगजीन और साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के बाद अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया, तो वहीं आज MP MLA कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है, जहां पर एक बार फिर से अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें कोर्ट से सामने आ रही है, साथ ही साथ अनंत सिंह के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। एक रेड करवाया गया था, पॉलिटिकल केस था, एक रेड करवाया गया था 2015 में 24/6/15 को। कैंपस नीचे से करो ना थोड़ा, कैंपस से कहा जाता है, उतना बड़ा कैंपस में एक MLA फ्लैट जो एक मॉल रोड था एक्यूज का, उसके कैंपस से कहा जाता है कि 6 इंसास का मैगजीन रिकवरी शो करवाया गया, और एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि ना जांच के लिए गया पूरे ट्रायल में, न ही कोई किसी तरह का रिपोर्ट आया FSL का, वो बुलेट प्रूफ जैकेट था या हार्ड बोर्ड का था या प्लास्टिक बोर्ड का, यही केस था। और न इस केस में विधायक जी को अरेस्ट किया गया, जबकि ऑफिसर इंचार्ज थे सचिवालय का, उनका कहना था कि हमने अरेस्ट करके थाना लाया, हायर पुलिस अफसर को इन्फॉर्म किया, लेकिन इस केस में जिस केस में आज जजमेंट हुआ उस केस में इनको अरेस्ट करके रिमांड भी नहीं किया गया, इनको प्रोडक्शन दूसरे केस से किया गया। माननीय न्यायालय ने क्या कहा? माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया, अब अपना वो 10 साल की सजा अपना जो है आर्म्स एक्ट में, अब जजमेंट पर तो लिमिट पर नहीं है। इन केस का जहां तक स्थिति है कंप्लीट पॉलिटिकल केस ये भी था, फॉल्स इम्प्लीकेशन, उतने बड़े कैंपस में 5-5 पुलिसकर्मी जाएंगे, 6 इंसास का मैगजीन डब्बा वो है ना घटना स्थल पर, मेरिट पर विशेष नहीं जाएंगे, उस स्थिति में हाईकोर्ट जाएंगे सीजन लिस्ट पर मेरा दस्तखत है, कहीं भी एक्यूज का सीजन लिस्ट पर दस्तखत की वो नहीं है, न अरेस्ट मेमो है कि हमने फ्लैट में इनको अरेस्ट किया। आगे क्या करेंगे सुनील जी? आगे तो अनुगुल हाईकोर्ट हम लोग अपील में निश्चित जाएंगे। ठीक हो, ठीक। पूर्व वाले मामले में हाईकोर्ट गए थे? हाँ, पूर्व वाले मामले में हम लोग ठीक हो चुकी, अब तो जो भी है, लेकिन केस का जहाँ तक मेरिट का हिसाब है ठीक, ये भी पॉलिटिकलाइज्ड केस है, वो भी ठीक ठीक। तो बता दें आपको कि जहां एक तरफ AK-47 मिलने के बाद पिछले महीने यानी कि 21 जून को अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई, इतना ही नहीं अनंत सिंह की विधायकी भी उनसे छिन गई, तो वहीं आज साल 2015 का जो मामला था जहां पर अनंत सिंह के पटना वाले आवास से इंसास के मैगजीन और साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के बाद जो मामला दर्ज हुआ उसमें एक तरफ जहां अनंत सिंह दोषी करार दिए गए, तो वहीं अनंत सिंह को आज MP MLA कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर खुद अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा है, MP MLA कोर्ट से जब MP MLA कोर्ट में जब अनंत सिंह पहुंचे थे तो उस दौरान क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, छोड़े जाते हैं आपको अनंत सिंह के उस पूरे बयान के साथ। 10 साल की सजा हुई है आपको? हाँ, हुआ है। आगे क्या अपील करेंगे इस मामले में? जरूर करेंगे। क्या लगता है कि जानबूझकर फंसाया गया आपको? जब कह रहे हैं कि सरकार का पिट्ठू था, जज है ये था, कलंक था, आपको कोर्ट पर न्याय पर भरोसा है, न्यायालय है, न्यायालय भरोसा पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे जी, आई तो सरकार का पिट्ठू था, ठीक जज है ये, ठीक है।